ओम शांति। आज का विषय है पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माओं की मुख्य निशानी क्या होगी। पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा की मुख्य निशानी साकार मुरली 12 नवंबर 2024 के महावाक्यों पर आधारित महावाक्य है कि पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माओं की मुख्य निशानी क्या होगी। उत्तर है, नंबर एक, वो बाप के साथ साथ टीचर और सदगुरु तीनों को याद करेंगे। वो आत्मा परमपिता परमात्मा, परम शिक्षक परमात्मा और परम सदगुरु परमात्मा तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं कि बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करे तब ही कृष्णपुरी में जा सके। अंडरलाइन करे, जब तीनों को याद करे तब ही कृष्णपुरी में जा सके। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग, स्वर्णिम दुनिया, स्वर्ग। जब तीनों को याद करे तब ही कृष्णपुरी में जा सके अर्थात आदि से पाठ बजा सके। और नंबर दो, उन्हें कभी कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। जो आत्मा परमपिता परमात्मा को तीनों रूप में याद करती है उनको कभी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। भगवान अपने महावाक्यों द्वारा हमें समझाते हैं कि पूरे के पूरे 84 जन्म लेने वाली जो आत्मा है वो परमपिता भगवान को बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में, यानी तीनों ही रूप में याद करती है। केवल बाप नहीं, केवल टीचर नहीं या केवल सद्गुरु नहीं, तीनों को जब याद करते हैं तो ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तीनों को जब याद करते हैं तो ही कृष्णपुरी में जाने की, कृष्णपुरी अर्थात स्वर्ग में, सतयुग में आने के लायक बनते हैं। तो स्वयं को देखो भुरकुटी के मध्य,
ललाट के मध्य भाग में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूँ। मुझे आत्मा से निकलती हुई तेजोमय किरणें चारों ओर सर्वदूर सर्वविश्व में फैलते जा रही हैं। मैं आत्मा परमात्मा को तीन रूप से याद करती हूँ। परमपिता के रूप में, परम शिक्षक के रूप में और परम सद्गुरु के रूप में। इसीलिए मैं कृष्णपुरी के हकदार हूँ। इसीलिए मैं पूरे 84 जन्म लेती हूँ। मैं आत्मा सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म और संगम पर 1 जन्म, ऐसे पूरे ही 84 जन्म लेने वाली मैं आत्मा हूँ। क्योंकि मैं परम आत्मा को तीनों ही रूप में याद करती हूँ। 84 जन्मों का हुआ ये खेल पुराना है, 84 जन्मों का हुआ ये खेल पुराना है। Thank you.
मैं आत्मा परमात्मा को तीनों ही रूप में याद करने वाली आत्मा हूं। परम पिता के रूप में, परम शिक्षक के रूप में और परम सद्गुरु के रूप में। परम पिता परमात्मा जो हमें वर्षा देते हैं, हमारी पालना करते हैं, हमारी संभाल करते हैं। परम शिक्षक परमात्मा जो हमें मुरली सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं, उच्च पद प्राप्त कराते हैं। परम सद्गुरु परमात्मा जो हमें वरदानों से भरपूर करते हैं, सद्गति कराते हैं। मैं आत्मा परमात्मा को तीनों रूप में याद करती हूँ, इसीलिए मैं आत्मा पूरे 84 जन्म लेती हूँ। मैं आत्मा सतयुग में आने के लायक बनती हूँ। पिता गुरु सद्गुरु है, ये तीनों रूप तुम्हारे शिव जी। पिता गुरु सद्गुरु है, ये तीनों रूप तुम्हारे शिव जी। गुरु और सदगुरु है ये, पिता गुरु और सदगुरु है ये, तीनों रूप तुम्हारे शिव जी, तीनों रूप तुम्हारे शिव जी। मात पिता मेरे शिव जी, मात पिता मेरे शिव जी, मात पिता मेरे शिव जी, मात पिता मेरे। परम पिता बन वर्षा देने संगम युग पर आते हैं, संगम युग पर आते हैं। माता होकर जन्म भर जीवा हम बच्चों को देते हैं, हम बच्चों को देते हैं। पुरुषार्थी बन चलेंगे हरदम श्रीमत पर ही तेरे शिव जी, श्रीमत पर ही तेरे शिव जी। मात पिता मेरे शिव जी, मात पिता मेरे शिव जी, मात पिता मेरे शिव जी, मात पिता मेरे। साई लौकिक जग के झूठे तीर्थ कराए, पंडा बन यह बाबा हमको सच्ची राह बताए। ओ गुरु गोसाई लौकिक जग के झूठे तीर्थ कराए, पंडा बन यह बाबा हमको सच्ची राह बताए। ज्ञानी बन फेरे अब तक 84 के फेरे शिव जी, 84 के फेरे शिव जी। मात पिता मेरे शिव जी, मात पिता मेरे शिव जी, मात पिता मेरे शिव जी, मात पिता मेरे। सर पर ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं। रावण का यह राज मिटाकर मुक्ति धाम
जाजा गुरुओं के गुरु सदगुरु पाकर खुल गए भाग हमारे शिव जी खुल गए भाग हमारे शिव जी मात पिता मेरे 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 शिव जी मात मैं आत्मा परम पिता परमात्मा को परम शिक्षक के रूप में याद करते हूँ। परम पिता परमात्मा मुरली सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। परम पिता परमात्मा सत्य ईश्वरी ज्ञान द्वारा हमें उच्च पद प्राप्त कराते हैं। परमपिता परमात्मा मुरली के द्वारा अनेक अनेक गुह्य रहस्य हमें समझाते हैं, अनेक अनेक राज हमें बताते हैं। परमपिता परम शिक्षक परमात्मा हमें शिक्षाएं देते हैं, प्यार देते हैं, हमारा साथ निभाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं, मधुबन वो दिन रात बाबा तेरी याद दिलाते हैं।
मैं आत्मा पूरे ही 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा को तीनों ही रूप में सदा याद करती हूँ, पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में और सद्गुरु के रूप में। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा को सद्गुरु के रूप में याद कर रही हूँ। परमात्मा सद्गुरु बनकर हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। परमात्मा हमारी सद्गति कराते हैं। परमात्मा सद्गुरु हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कराते हैं। परमात्मा सर्वोच्च हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। परमात्मा सर्वधर्म मान्य हैं, सर्वपरे हैं, सदैव दाता है, सर्वशक्तिवान है। परमात्मा निराकार है, परमधाम निवासी है, पाप कटेश्वर है, पतित पावन है। परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें देते हैं। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सद्गुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। छाया है कितने ऊंचे भाग हमारे, ऐसा
थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।